फ्रेंड्स, गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में आपको गूगल की तरफ से सर्वे मिलता है जिसे आप कंप्लीट करके गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स से पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइव गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में सर्वे कंप्लीट करके और पैसे अर्न करके दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में पैसे अर्न कर लेते हो तो उससे आप अपने पेटीएम में कैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको अर्निंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वे आपको वहाँ पे मिलता रहता है, जिससे आप वहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स आ जाएगा। अब सिंपली आपको इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है और इस पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस पे अकाउंट क्रिएट करना काफी आसान है। सिंपली आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स पे अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस वीडियो को देखकर गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स का जो रेटिंग है वे 4.3 का है, जो कि काफी अच्छा रेटिंग है और यहाँ पे 3 मिलियन लोगों ने रिव्यू दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मिलियन इस ऐप का डाउनलोड है। तो चलिए हम गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो मेरे गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में 47.74 रुपए है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो ऊपर गूगल प्ले बैलेंस लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है माई टास्क और यहाँ पे न्यू सर्वे अवेलेबल लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देख सकते हो इसका एक्सपायर भी टाइम लिखा हुआ है कि 7 घंटे के अंदर में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में आपको जब सर्वे मिलता है तो यहाँ पे माई टास्क के नीचे ही शो होता है, जैसे ये शो हो रहा है। अब सिंपली आपको इस सर्वे को कम्प्लीट करना है और जैसे ही आप इसे कम्प्लीट करोगे आपको यहाँ पे पैसे अर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है एंसर सर्वे, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये जो सर्वे है ये हिंदी में है और यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्वे के बारे में जानकारी देखने को मिल जाता है कि इस सर्वे में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हो। अब अगर आपको इस सर्वे का जवाब नहीं देना है तो आपको नहीं रहने दे पे क्लिक करना है। अगर आपको इस सर्वे को कम्प्लीट करना है और पैसे यहाँ से अर्न करना है तो आपको हाँ ठीक है पे क्लिक करना है। तो चलिए हम हाँ ठीक है पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे सर्वे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी श्रेणी आपके रोजगार की स्थिति की जानकारी सबसे अच्छे तरीके से देती है, फुल टाइम नौकरी, पार्ट टाइम नौकरी, बेरोजगार, नौकरी की तलाश में, बेरोजगार, नौकरी की तलाश में नहीं, रिटायर्ड, अन्य, या मैं बताना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपके सामने 6 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप अपने बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लास्ट वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, अन्य, या मैं बताना नहीं चाहता। तो चलिए यहाँ पे मैं पार्ट टाइम नौकरी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। बेसिकली इसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है, तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। अब इसी तरीके से जब आप सर्वे कंप्लीट करोगे तो आपके सामने भी ऐसे सवाल आएंगे, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक सवाल आ जाएगा। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है क्या आपके नियोक्ता या कारोबार ने एक से ज्यादा स्थानों पर कर्मचारी नियुक्ति किए हैं। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, मुझे नहीं पता, हाँ, नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी कोई एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, सभी को अपना ओपिनियन देना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से यहाँ पे एक सवाल आएगा। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है आप जिस स्थान पर काम करते हैं वहाँ आपके नियोक्ता ने लगभग कितने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपके सामने टोटल 7 ऑप्शन आ गए हैं। मुझे नहीं पता, 1 से 9 कर्मचारी, 10 से 249 कर्मचारी, 250 से लेकर 999 कर्मचारी, यहाँ पे 1000 से लेकर 9999 कर्मचारी, और यहाँ पे 10,000 या इससे ज्यादा कर्मचारी, या लास्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है मैं नहीं बताना चाहता। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर हमें आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब फिर से हमारे सामने एक और सवाल आ गया है। आप देख सकते हो इसमें पूछा जा रहा है आपके नियोक्ता के लिए सभी स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है। यहाँ पे फिर से उसी टॉपिक को थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ दिया गया है।
तो फिर यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगा हो गया, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस सर्वे को कम्प्लीट करके ₹9.35 अर्न कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको लाइव सर्वे कम्प्लीट करके लाइव पैसे अर्न करके दिखा दिया। तो आप भी इसी तरीके से गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में सर्वे को कम्प्लीट करके यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर क्रेडिट्स विल एक्सपायर ये ईयर फ्रॉम नाउ, यानी जो भी आपने यहाँ से पैसे अर्न किए हैं सर्वे को कम्प्लीट करके वे आज से एक साल के अंदर में एक्सपायर हो जाएगा अगर आप इसके बीच में रिडीम नहीं करते हो। तो आपको इसके बीच में ही इस पैसे को रिडीम कर लेना है। अब सिंपली यहाँ पे चलिए हम क्लोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा जो बैलेंस है वे यहाँ पे बढ़ गया है और यहाँ पे ₹57.09 हो गया है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जान लिया कि किस तरीके से यहाँ पे हम सर्वे को कम्प्लीट करके पैसे कमा सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि हमने जो भी गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में सर्वे कम्प्लीट करके पैसे अर्न किया है उसे हम विड्रॉ कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में आपको डायरेक्ट पैसे विड्रॉ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है टास्की ओपिनियन रिवार्ड्स ऐप। सिंपली आपको यहां से बैक जाना है और यहां पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहां पे आपको सर्च करना है सिंपली टास्की ऐप। जैसे ही आप टास्की लिखोगे ऊपर आपके सामने ये सर्च में आ जाएगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। अब सिंपली आपको इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है और इस पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब फ्रेंड्स टास्की ऐप पे आप उसी ईमेल आईडी के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करना जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अगर आपको टास्की ऐप पे भी अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस वीडियो को देखकर टास्की ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम टास्की ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे मिनिमम ₹100 अमाउंट देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम आपको यहाँ पे ₹20,000 तक का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको ₹10 ₹20 ₹50 का भी ऑप्शन मिलता था पैसे विड्रॉ करने का, बट यहाँ से अभी वे ऑप्शन रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ से आप मिनिमम अपने पेटीएम वॉलेट में ₹100 विड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ही आप गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में ₹100 अर्न कर लेते हो तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से मिनिमम आपको ₹100 विड्रॉ कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से जब आप पैसे विड्रॉ करते हो तो आपका कुछ कमीशन भी कटता है। जैसे कि अगर आप ₹100 विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको ₹60 ही रिसीव होंगे, ₹40 यहाँ पे आपका कमीशन कट जाएगा। यानी आप जितना भी यहाँ से पैसे विड्रॉ करोगे तो आपको 60% रिसीव होगा और 40% यहाँ पे आपका हमेशा कमीशन कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप जब भी पैसे विड्रॉ करते हो तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर में ये पैसे आपको वैलेट में रिसीव हो जाते हैं। अब यहाँ से पैसे विड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको अमाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही अमाउंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके गूगल प्ले बैलेंस में कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे गूगल प्ले बैलेंस में ₹47.74 ही है। यहाँ पे अभी जो हमने अर्निंग किया है वे ऐड नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद वे भी ऐड हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे हमारे पास ₹100 अमाउंट नहीं होगा जिसके कारण मैं आपको यहाँ पे अभी लाइव पैसे विड्रॉ करके नहीं दिखा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे ₹100 अर्निंग कर लिया है तो आप यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स में सर्वे कम्प्लीट करके पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको लाइव सर्वे कम्प्लीट करके लाइव पैसे अर्न करके भी दिखाया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।